नमस्कार जी, आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे कि जो AMPP मॉडल है उस मॉडल को हम असेंबल कैसे करें। एक तो ये हम आपको बताएंगे, दूसरा आप ही बताते हैं कि जो कटोरी होती है इसको हम चेंज कैसे करें, यानी कि रिप्लेस कैसे करें इस वाली कटोरी से। तो ये तीन चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिनको मैं आपको बता दूँ। ये वॉर्शल, ये एलन की, और ये माउंट हेड वटी, यानी कि जिसके ऊपर हम ये वटी इसके ऊपर लगाएंगे। इसके अंदर एक स्क्रू होता है, हम उसको खोल लेंगे एलन की मदद से, इस वाले स्क्रू को। और साथ में हम चलिए इसको खोलने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, ये जो एक स्क्रू लगा हुआ है इसको हम प्रॉपरली खोल लेंगे अच्छे से, सिस्टमेटिक तरीके से। कोशिश करें कि नीचे कुछ कपड़ा रखें या पेपर रखें, और ये जो जगह है यहाँ पर, जो अभी मैंने वॉर्शल दिखाया था, ये जो वॉर्शल है इसको प्रॉपरली ऐसे करके रखिए। इसको कहते हैं स्प्रिंग वॉर्शल, एक साइड से ये कटा हुआ होता है। तो इसको प्रॉपरली देखिए इस तरीके से आपने रखना है, और इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है, क्योंकि ये गिर जाता है, खो जाता है कई बार, इसका ध्यान रखें। और ये जो स्क्रू है इसको भी बड़े ध्यान से रखिए। वैसे तो हम एक एक्स्ट्रा देते हैं आपको जो स्प्रिंग वॉर्शल होता है, तो ये जो स्क्रू है इसमें डाल देते हैं। कटोरे के अंदर हमारे जितने भी जो भी दो बाउल्स हैं, वटी जो हैं, एक डॉटेड और नॉन डॉटेड, और उसमें ऐसे बीच में होल होता है, और इसको इस तरीके से देखिए, जैसे कि आप स्क्रू देख रहे हैं, इसके ऊपर हम इसको रख के पहले थोड़ा सा एक दो चूड़ी हाथ से चढ़ाते हैं, और जब हाथ से चूड़ी प्रॉपरली चढ़ जाती है तो एलन की मदद से हम इसको धीरे धीरे करके घुमा के इसको सेट करते हैं। और देखिए, अगर आपने इसको ऊपर से कटोरी को भी पकड़ना है, मशीन को भी पकड़ना है, और अच्छे से टाइट कर देना, बहुत अच्छे से। क्या होगा, ऊपर से कटोरा यानी कि वटी और मशीन दोनों को ऐसे टाइट करके पकड़ना है आपने, देन उसके बाद में ये जो स्क्रू है इसे एलन की से टाइट कर देना अच्छे से। अब चलते हैं हम स्विच के पास। तो ये स्विच हमारी मशीनों में अलग अलग मॉडल में अलग अलग जगह होते हैं, नीचे, ऊपर और बीच में। जैसे नीचे कर दिया तो क्लॉकवाइज घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बीच में कर देंगे तो ऑफ हो जाएगी। अब जैसे बीच में ऑफ हो जाती है, नीचे करेंगे साइड में, दूसरी साइड करेंगे। एक ये होता है 12 वोल्ट का अडॉप्टर होता है हमारा, इसको प्रॉपरली प्लग में इंसर्ट करें। बहुत सारे लोग तार काट के लगाते हैं, ऐसा ना लगाएं। जो कंपनी से हमने आपको दिया है इसी का ही इस्तेमाल करें, अदर कोई इस्तेमाल ना करें। 12 वोल्ट का DC, इसमें एक सॉकेट होता है, जैसे कि हमारी मशीन में ये नीचे ऐसे करके लगा होता है, इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। कुछ मशीनों में हमारी अलग मॉडल है जिसमें नीचे लाल और काला तार नहीं होता, उसके अंदर नीचे से ही आप लगाएंगे तो डायरेक्ट ये लग जाता है। अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो जो भी अडाप्टर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसी अडाप्टर से आप मशीन को ऑपरेट करें, अदर किसी से करेंगे तो मशीन का नुकसान होने के चांसेस हैं। और प्लग आप लगा दें, और फिर जैसे कि ये देखिए, अभी हम नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं तो ये रोटेट होने लगती है, तो बीच में कर देंगे रुक गई, अभी दूसरी साइड में करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरीके से ऊपर करेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगी, और बीच में करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, नीचे कर देंगे ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगी। अब ये बताते हैं, ये जो दो जगहें हैं मशीन के दूसरी साइड में, ये दो पॉइंट होते हैं, एक ब्लैक और एक ये रेड। जैसे कि आपने ये रेड देख रखे हैं, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो ब्लैक में एक ब्लैक तार लगाना है, ये तब लगाना है तब आपके घर में लाइट नहीं है 12 वोल्ट की। जैसे आपने देखा होगा सब्जी वाले के ठेली के ऊपर बैटरी रखी होती है, लाइट जल रही होती है, 12 वोल्ट की स्कूटी की बैटरी हो, कोई भी हो, उसी से चलते हैं। तो इसमें दो कलर होते हैं, ब्लैक और एक रेड। तो रेड वाले में आपने रेड वायर को कनेक्ट कर देना है, हल्का सा प्रेस करेंगे और तार को अंदर डाल देना है, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए होता था। और ये जो कनेक्टर है इसको आपको निकाल देना है, 12 वोल्ट का जो आपकी सप्लाई आ रही थी अडाप्टर से, क्योंकि अब हम बैटरी से इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अब हम बैटरी से मशीन कैसे चलेगी वो आपको बता रहे हैं, लेकिन बैटरी से अगर आप मशीन चला रहे हैं तो किसी के सुपरविजन में ही चलाएं, या इलेक्ट्रीशियन से अपने दो वायर बनवा कर ज़रूर लेकर आएं, अगर आप बैटरी से चलाना चाहते हैं। और जब भी बैटरी, ये 12 वोल्ट की बैटरी होती है, जब भी बैटरी से चला रहे हैं तो अडाप्टर को हटा देना है, वरना आपकी जो मोटर है फूक जाएगी। और जैसा कि हम यहाँ पे खाली डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे बैटरी में हाथ रख रहे हैं, तो खाली डेमो के लिए देखिए। तो ये देखिए बैटरी से आपकी मशीन चल रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद,
आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।